ना फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन को दूसरी शीट पर अप्लाई कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि दूसरी शीट पर अप्लाई क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टैली कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप बिगनर से लेकर एडवांस तक का टैली कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वी लुकअप को दूसरी शीट पर अप्लाई कैसे करते हैं। पहले फ्रेंड्स, ये हमारे पास शीट है और ये जो शीट है ये वर्टिकली है, यानी वर्टिकली इस तरह से हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल है और 1000 एम्प्लॉय है हमारे पास, तो नीचे तक काफी डिटेल है। फ्रेंड्स, इसमें से अगर हमें किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल देखनी है तो हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा और उस एम्प्लॉय को सर्च करना होगा और तब जाकर हम उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी हमने सिर्फ तीन ही इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, मदर नेम और भी कुछ एड्रेस। तो फिलहाल हमने इतना लिखा है प्रैक्टिकल के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी शीट पर क्यों लगाते हैं, हम चाहते हैं कि शीट टू, देखिए यहाँ पे नीचे देखिए शीट टू पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम किसी का भी नाम लिखे और उसकी सारी डिटेल अपने आप यहाँ पे शो हो जाए, जिसका नाम लिखे उसकी सारी डिटेल यहाँ पे अपने आप शो हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हम क्यों लगाते हैं दूसरी शीट पर। फ्रेंड्स, जिस तरह से ये जो डिटेल है ये बहुत सारी है और यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बचती है, नहीं तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे अगर जगह नहीं है तो आप दूसरी शीट पर भी व्यू का फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि दूसरी शीट पर अप्लाई करना, तो शीट टू पे जाएंगे फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी शीट पे जाते हैं और जो ये है एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई कोड, लोकेशन और सैलरी, इस हम हेडिंग को क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। यहां से हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। और हम शीट टू पे जाएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, इसको ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये थोड़ा सा पूरा पूरा दिखे। फ्रेंड्स, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे जिसका भी नाम लिखें उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोई भी एक नाम लिख लेते हैं जो हमारी शीट पर है। तो शीट वन में देख लेते हैं कोई नाम, जैसे कि हमने लिख देते हैं रवि कुमार। देखिए यहाँ पे रवि कुमार है, तो रवि कुमार यहाँ पर लिख देते हैं, हमने टाइप कर दिया यहाँ रवि कुमार। फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं उसके एम्प्लॉय कोड निकालना है, तो एम्प्लॉय कोड के नीचे वाले सेल पर आप क्लिक करेंगे और फंक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फंक्शन बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वी लुकअप मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे आप, और फिर इस लिस्ट में किसी पे भी क्लिक करने के बाद वी बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप वी बटन प्रेस करेंगे तो वी से जितने भी फंक्शन है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। जब वी लुकअप आपको दिखेगा तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर लुकअप वैल्यू क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, इस जो बॉक्स में हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, लुकअप वैल्यू का मतलब किसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, फ्रेंड्स रवि कुमार की देखनी है तो रवि कुमार को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टेबल एरे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और किस टेबल में से देखनी है तो जाएंगे शीट वन पे, क्योंकि हमारी जो टेबल है वो शीट वन पे है, तो शीट वन पे क्लिक करेंगे और अपनी पूरी टेबल, यानी यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, देखिए अपनी पूरी टेबल जितनी भी आपकी होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक होगी तो नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर पे जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डालना है जो एम्प्लॉय कोड हम निकाल रहे हैं, जो भी हमने शीट को सिलेक्ट किया है उसमें से कौन से नंबर का कॉलम है। तो शीट वन पे जाते हैं और देख लेते हैं, देखिए एम्प्लॉय कोड पहला कॉलम तो ये हो गया, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया था, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो यहाँ पे टू लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये शीट आ जाता है अपने आप, इसलिए इसको हम हटा देंगे बैक स्पेस से और यहाँ पे लिख देंगे टू। टू लिखने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो। जीरो लिखने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसका एम्प्लॉय कोड आ गया है B2347। चेक कर लेते हैं, शीट वन पे जाते हैं और रवि कुमार का जो एम्प्लॉय कोड है B2347 ही है। इसी तरह से हम लोकेशन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, क्लिक करेंगे फंक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बी बटन प्रेस करेंगे। जब बी लुकअप आ जाएगा तो आप क्या करना है, सिलेक्ट करना है वी लुकअप को और ओके बटन पे क्लिक करना है। लुकअप वैल्यू किसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, रवि कुमार की देखनी है। टेबल एरे किस टेबल में से देखनी है,
शीट वन पे जाएंगे और टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम कौन सा है लोकेशन का, तीसरा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम शीट पे देखेंगे तो तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 0। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आ गया उसका लोकेशन। इसी तरह से हम सैलरी निकाल लेंगे, सैलरी पे क्लिक करेंगे, सैलरी के नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फंक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी क्लिक करने के बाद पी बटन प्रेस करेंगे जब तक पी लुकअप ना आए। पी लुकअप को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू किसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, रवि कुमार की देखनी है। टेबल है किस टेबल में से देखनी है, शीट वन पे जाएंगे और अपनी वो टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हम सैलरी निकाल रहे हैं तो कौन से नंबर का कॉलम है शीट में टेबल में हमारी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी 4 नंबर का है, हमने लिख दिया 4 और 0। ओके बटन पे क्लिक कर दो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रवि कुमार की पूरी डिटेल आ गई है। अब मान लेते हैं शीट में हमें किसी की डिटेल देखनी है तो हमें शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिखेंगे, आपको नाम पता होना चाहिए। अगर हम देख लेते हैं शीट में यहाँ पे जैसे लिखा है सोनू सिंह, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोनू सिंह, तो सोनू सिंह की डिटेल आ जानी चाहिए, उसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं सोनू सिंह और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए सोनू सिंह की डिटेल आ गई है सहारनपुर और इसकी 20,000 सैलरी है। देखते हैं सही आई है या नहीं आई है। देखिए सोनू सिंह कहाँ है, ये है देखिये सहारनपुर और ये इसकी पूरी डिटेल आ गई। तो फ्रेंड्स ये तो हमने लगाया फार्मूला, ये जो हमने फंक्शन लगाया वो एक एक करके लगाया। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक जगह फंक्शन लगाएं और सब जगह अपने आप आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है आपको, यहाँ क्लिक करना है, फंक्शन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वी लुकअप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करना है, इसमें आपको फिक्स करना होगा लुकअप वैल्यू किसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, सोनू सिंह की। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको F4 की प्रेस करनी है सिलेक्ट करने के बाद, जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन बटन हैं F1 F2 F3 को आपको F4 की प्रेस करनी है। जैसे आप F4 की प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो गया है, इसको ना हमें फिक्स करना होता है, तो B3 फिक्स हो चुका है। इसके बाद टेबल एरे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अपनी टेबल पर जाएंगे और पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने पहले करी थी। इसके बाद फिर F4 की प्रेस करेंगे से फिक्स कर। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको लिखना है COLUMNS कॉलम्स, शिफ्ट बटन के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट बटन के साथ ब्रैकेट लगाने के बाद एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फ्रेंड्स जो एम्प्लॉय नेम है इसको फिक्स कर देंगे यानी B2 के बीच में, इसका एड्रेस क्या है B2, तो B2 के बीच में क्लिक करने के बाद F4 की प्रेस कर दो तो ये फिक्स हो गया है। इसके बाद रेंज लुकअप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर दो। फ्रेंड देखिए इसका एम्प्लॉय कोड आ गया है, अभी जो डॉट आ रहा है ना यहाँ पे साइड में डॉट आ रहा है, इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे और ड्रैग कर देंगे पूरी टेबल में, तो देखिए ये पूरा टेबल अपने आप सारा आ गया है, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। फ्रेंड इस तरह से हम एक साथ भी सारे फंक्शन एक साथ ही लगा सकते हैं फिक्स करके। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।